not see it ended on the account of this. Say it. हेलो लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ वेस्टरोस। तो देखो हाउस ऑफ ड्रैगन का एपिसोड नंबर 8 आ चुका है और इस वीडियो में अपन उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं बुक से आखिर क्या चीज़ें चेंज कर दी गई है उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। जैसे कि वेमन को इस टाइप से नहीं मारा गया जैसा कि शो में दिखाया गया है, बुक्स में थोड़ा डिफरेंट है। तो वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी स्पॉइलर के। तो पिछले एपिसोड के एंडिंग में अपन देखते हैं कि लेनोर भाग जाता है। वो वाला टाइम 120 के एसी का टाइम था और ये वाला एपिसोड जब स्टार्ट हो रहा है ड्रिफ्ट मार्क के ऊपर, ये 126 का है, मतलब कि 6 सालों का गैप आ चुका है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि कोलोस वर्लन लॉर्ड ऑफ टाइट उसके सक्सेशन को लेकर यहाँ पे थोड़ी बहसबाजी हो रही है रेनस और वेमंड के बीच में। तो कोलोस वर्लन कहाँ गया? तो इस चीज़ का आंसर है पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था लेनोर रेनिरा से परमिशन मांग रहा था स्टेप स्टोन में जाने की फाइट के लिए, तो वहीं पर कोलोस वर्लन लड़ने के लिए गया। वहाँ पर वो शिप के ऊपर लड़ रहा था लेकिन उसके गर्दन के ऊपर कोई चाकू से हमला कर देता है, उससे उसको लग जाती है, वो समुद्र के अंदर गिर जाता है और उसके बाद में उसको बाहर निकाल तो लेते हैं लेकिन उसको फीवर यानी कि बहुत लंबी टाइम तक एक बीमारी हो जाती है। तो ये पिछले 6 सालों से उसी बीमारी से जूझ रहा है। अब यहीं पर रेनस उस मास्टर से पूछती है कि रेवन कहाँ से आए, मतलब कि अभी कोलोस वर्लन कहाँ पर है। तो वो आंसर देता है इवन फॉल से। इवन फॉल वैसे एक फॉल्ट है स्टॉर्मलैंड्स के अंदर यानी कि ड्रिफ्ट मार्क से ज़्यादा दूर नहीं, इसीलिए रेनस बोलती है 3 दिन का रास्ता है यहाँ से बस। अब यहाँ पे अपन अगर बुक से देखें तो ये सब बिल्कुल फर्जी है। जो कोलोस वर्लन है वो किसी फाइट के अंदर नहीं गया था, बुक के अंदर ऐसी कोई सी भी फाइट मेंशन नहीं कर रही है। वो अब भी लगभग 75 से 80 साल का बुढ़ा हो चुका है, तो तुम समझ सकते हो वो कितना ज़्यादा एज्ड है, इसलिए वो बीमार हो गया है और पिछले 4-5 साल से वो कुछ ज़्यादा ही बीमार चल रहा है। इसलिए उसके बाद में लॉर्ड ऑफ टाइट यानी कि यहाँ ड्रिफ्ट मार्क का लॉर्ड कौन बनेगा इसको लेकर सक्सेशन को लेकर आपस में हाउस के अंदर लफड़े चल रहे, वो अपन को शो में इस टाइप से दिखाया। अब इसके बाद का सीन है वो ड्रैगनस्टोन के ऊपर का है जहाँ पर डेमन टारगेरियन पहाड़ों के बीच में से होते हुए साइरेक्स के अंडे लेने जा रहा है। तो यहाँ पर तुम्हें पिछला एपिसोड याद हो तो रेनिरा ने प्रपोज किया था एलिसेंट को कि क्यों नहीं जैक और हेलिना इन दोनों की शादी करवा दी जाए और इससे थोड़ी सी डांस ऑफ ड्रैगन की पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएगी, मनमुटाव आपस में ठीक हो जाएंगे। उसी टाइम पर रेनिरा एक और ऑफर देती है कि जब साइरेक्स के नए अंडे निकलेंगे उस टाइम पर तुम्हारा बेटा एमंड जिसके पास में उस टाइम पर नहीं होता है ड्रैगन वो भी ले सकता है उनमें से कोई सा भी अंडा जिससे उसके आगे ड्रैगन मिल जाएगा उसको। पर अब तक तो वगार आ चुका है एमंड के पास में और ये जो डेमन है वो अंडे लेने गया है। अब ये डेमन एक अंडा इसलिए लेके आया है जिससे कि अभी तुम्हें पता हो तो रेनिरा प्रेग्नेंट है तो उसको जल्द बेबी होने वाला है और ये डेमन और रेनिरा का थर्ड बेबी है तो उसके लिए ये पहले से ही ड्रैगन एग लेके आ गया। अब डेमन गुफा के बाहर आकर इन ड्रैगन कीपर से थोड़ी बात करता है। इसके बाद में ये ड्रैगन कीपर्स एक लेटर देते जो कि बेला ने भेजा है ड्रिफ्ट मार्क से। शायद इस लेटर के अंदर यूँ ही लिख रखा है कि वोमेन वेलरियन है वो अब सक्सेशन को लेकर थोड़े लफड़े कर रहा है, कोलोस के बाद में लॉर्ड ऑफ टाइट कौन बनेगा अब ये प्रॉब्लम हो रही है और इसके लिए वेमन वेलरियन किंग्स लैंडिंग जा रहा है, इसके बारे में शायद इन्फॉर्मेशन दे रही है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि रेनिरा टारगेरियन ड्रैगनस्टोन के अंदर कैसल के अंदर प्रेजेंट होती है और वहाँ पर जैक और जोफ्री प्रेजेंट होते हैं। जैक है वो हिस्ट्री प्लस हाई वेलरियन दोनों एक साथ में सीख रहा है, बेसिकली जो मास्टर है वो उसको एगोन की हिस्ट्री सिखा रहा है कि एगोन कैसे आया और कैसे सारी चीज़ें जीती वेस्टरोस के अंदर। लेकिन ये सब हाई वेलरियन के अंदर है इसलिए जैक को बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अब यहीं पे अपन देखते हैं कि जो जैक और मास्टर यूज़ कर रहे टेबल जिसको पढ़ने के लिए वो वही वाला टेबल है जो एगोन द कॉन्कर ने यूज़ किया था वॉर प्लेन्स बनाने के लिए, और गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर स्टेनिस और डेनी ने भी यही वाला टेबल यूज़ किया था अपने अपने वॉर प्लेन्स को बनाने के लिए क्योंकि इसके ऊपर एक अच्छे से पूरा वेस्टरोस का मैप बना हुआ है। अब यहीं पर अपन देखते हैं कि जो जैकेरस वेलोरियन है वो थोड़ी हाई वेलोरियन को सही से नहीं समझ पा रहा है, वो कह रहा है एगोन ने ये सारे पेड़ किल कर दिए जबकि वो होना चाहिए फेल्ड। तो ये वाला दरअसल मास्टर इसको ये टॉपिक पढ़ा रहा है कि पूरा वेस्टरोस जीतने के बाद में जो किंग्स लैंडिंग का एरिया था वहाँ पर सबसे फर्स्ट जंगल जैसा इलाका था और एक मछली मारने वाले और मछली को पकड़ने वाले लोगों का इलाका था, तो वहाँ पर पेड़ कटवाए और फिर वहाँ पर एगोन फोर्ट और किंग्स लैंडिंग को बसाया। तो यहाँ पर जैक एगोन कॉन्क्वेस्ट के बाद में किंग्स लैंडिंग को कैसे बसाया ये वाला पार्ट पढ़ रहा है हिस्ट्री का। अब यहाँ पर डेमन और रेनिरा आपस में बात करते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि आखिर रेनस किंग्स लैंडिंग क्यों जा रही होगी, और यहाँ पर डेमन को रेनिरा बताती है कि रेनस को अभी भी लगता है कि उसके लड़के लेनर को अपन दोनों ने ही मरवाया। तो बेसिकली मैं पिछले वाले वीडियो में एक चीज़ तुमको बताना भूल गया था कि ये दोनों लोग इतने भी मूर्ख नहीं है, डेमन और रेनिरा बुक के अकॉर्डिंग चले तो इन दोनों की शादी 6 महीने के बाद में होती है जब लेनोर मर जाता है।
अगर शो के हिसाब से चले तो जस्ट 4-5 दिन में शादी हो जाती है। इतना जल्दी करेंगे तो फिर किसी को भी शक हो जाएगा कि इन्होंने मरवाया। तो बुक के अंदर ये थोड़े समझदार होते, पूरे 6 महीने लेते, उसके बाद में शादी करते। अब इसके बाद में अपन किंग्स लैंडिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर डेमन और रेनीरा पहुँच चुके हैं। फिलहाल तो इनके वेलकम के अंदर कोई भी रॉयल मेंबर नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद में लॉर्ड कैसवेल आ जाते हैं। अब ये लॉर्ड कैसवेल वही है जो अपन को पिछले एपिसोड में दिखे थे, और रेनीरा को बोल रहे थे कुछ काम पड़े तो मुझे भी याद कर लेना, ये वही वाला बंदा है। तो बेसिकली जो भी किंग्स लैंडिंग के अंदर ज़्यादातर लॉर्ड्स वगैरह जो भी लोग हैं वो सारे ग्रीन्स के यानी कि एगोन के क्लेम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये अकेला ऐसा बंदा है जो रेनीरा और ब्लैक का है, मतलब कि इनके क्लेम को सपोर्ट करता है। और इसलिए तुमने इसको देखा हो तो इसके जो कपड़े वो भी ब्लैक कलर के। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि किंग्स लैंडिंग काफ़ी चेंज हो चुका है। पिछले पूरे एपिसोड में अपन ने देखा भी नहीं था इसको, तो इतने सारे टाइम के अंदर जो भी सारी टारगेरियंस की चीज़ें थी उनमें से बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है, और फेथ ऑफ 7 की नई चीज़ें लगा दी है, नए भगवान वाली चीज़ें। ये बेसिकली सब लगवाने वाला काम एलिसेंट और हैंड ऑफ द किंग ने किया है, क्योंकि तुम जानते ही हो हाईटावर हाउस ओल्ड टाउन का है और ये भगवान से कुछ ज़्यादा ही नज़दीक है, मतलब कि ज़्यादा ही भगवान को मानते हैं, नए भगवान को। इसलिए एलिसेंट भी अब अपन को हमेशा ग्रीन कपड़ों के अंदर ही दिखती है, और उसने अपने कपड़ों के ऊपर एक स्टार लगा रखा है जो कि फेथ ऑफ 7 को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद में अपन स्मॉल काउंसिल का फर्स्ट सीन देखते हैं, जहाँ पर कि सब लोग बैठे हुए हैं और एलिसेंट सबसे मेन राजा की जगह पर बैठी हुई है। लॉर्ड लेमन बिस्बेरी कुछ बात कर रहे हैं जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और तुमने भी ध्यान नहीं दिया होगा। तो बेसिकली ये जो लेमन बिस्बेरी है ये यूँ बोल रहा है कि जल्द वेस्टरोस के अंदर एक फेस्टिवल आने वाला है जो कि फेस्टिवल ऑफ मदर है। मदर यानी कि ये जो 7 गॉड्स होते हैं उसी में से एक गॉड होते हैं जिनका नाम है मदर। इसका मतलब कि किंग्स लैंडिंग और वेस्टरोस के अंदर एक कोई धार्मिक फेस्टिवल आने वाला है जिसको लेकर हमें तैयारी करनी चाहिए, और जो सेप्टन्स है उन्होंने कुछ पैसे मांगे जिससे कि वो मदर की एक स्टैचू बना पाए, एक धार्मिक स्टैचू। अब तुम समझ ही सकते हो इसके ऊपर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ये ऐसे फर्जी टॉपिक्स को उठा रहा है जिनकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो स्मॉल काउंसिल है वो थोड़ी ड्रिफ्ट मार्क के सक्सेशन को लेकर बात करती है आपस में और डिस्कस करते हैं। इसके बाद में एलिसेंट खड़ी हो जाती है और बोलती है आज की स्मॉल काउंसिल ख़त्म हुई। वो थोड़ी सी आगे की साइड में जाती है और पीछे से ऑटो बोलता है नई ऊन आई हुई है बाजार में, उसके ऊपर टैक्स को लेकर बात करना चाहता है वो, लेकिन एलिसेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। तो इस सीन से अपन को पता चलता है कि एलिसेंट का कैरेक्टर अब कितना ग्रो हो चुका है। एक टाइम पर यही एलिसेंट ऑटो से बिल्कुल थर थर काँपती थी, और अब देखो उसकी बात भी नहीं सुनती है। इस सीन से अपन को कैरेक्टर ग्रोथ बता देगी। इस सीन के बाद में अपन को वो कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसको मैं कब से ढूंढ रहा था, एपिसोड 5 से लेकर अब तक ढूंढ रहा था, यानी कि एरेक, ये वाला एरेक। तो बेसिकली ये दो भाई है जिनकी अभी अभी किंग्स गार्ड में नई नई ड्यूटी लगी है, एरेक और इरेक। एक की ए से स्पेलिंग है और एक की ई से, दोनों हम शक्ल है। इनको कौन सा वाला कौन सा अपन भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, और एलिसेंट भी नहीं कर पाती है। इसलिए यहाँ पर एलिसेंट बोलती है सॉरी माई एपोलॉजीज, ये वाला इरेक होता है ई वाला, लेकिन वो एरेक समझ जाती है इसको इसलिए। लेकिन जो भी हो ये एलिसेंट को आके बोलता है कि आपके बेटे एगोन ने ऐसा कुछ कांड कर दिया जो आपको जाकर देखना चाहिए। अब इसके बाद में विस्ट्रेस के कमरे का सीन आता है, जहाँ पर कि रेनीरा और डेमन पहुँच जाते हैं। वहाँ पर विस्ट्रेस का जो पुराना 3D मॉडल होता है वलेरिया का, वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है, और विस्ट्रेस की हालत भी कुछ सही नहीं है। अब यहाँ पर डेमन आके बोलता है कि ड्रिफ्ट मार्क के ऊपर हमारी साइड लेना आप, लेकिन रेनीरा थोड़ी भावुक हो जाती है और वो अपने बच्चों को विस्ट्रेस से मिलाती है। एक बच्चे का नाम है एगोन और दूसरे का नाम है विस्ट्रेस, और फिलहाल रेनीरा प्रेग्नेंट भी है। बुक में इस बारे में बता रखा है कि जब इस बच्चे का नाम एगोन रख देती है रेनीरा तो एलिसेंट सबसे ज़्यादा गुस्सा होती है। इसके बाद में विस्ट्रेस की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है, और उसके बाद में डेमन उसको एक टी पिलाता है। तो बेसिकली ये जो टी है वो मिल्क ऑफ पॉपी है यानी कि अफीम, जिसको पीने के बाद में थोड़ी सी बेहोशी जैसा हो जाता है और दिमाग भी सही से काम नहीं करता है। इसको लगातार पीने की वजह से थोड़ी सी मेंटल इलनेस भी हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि विस्ट्रेस को जो पूरे शरीर पर पूरे दिन भर पेन होता रहता है उससे इसको पीने से रिलीफ मिलता है। अब इसके बाद में एलिसेंट के कमरे का सीन आता है, जहाँ पर कि वो डायना यानी कि वो सर्विंग गर्ल प्रेजेंट है जिसने एगोन के साथ में रंग रैलियाँ की है। देखो इस एगोन सेकंड के लक्षण और लक्षण दोनों ही सही नहीं है। बेसिकली इसकी और हेलिना की शादी हो चुकी है और इनके शायद बच्चे भी हो चुके हैं इस टाइम तक, लेकिन फिर भी ये सर्विंग गर्ल्स के ऊपर टापे मारता रहता है, तो उसी का रिजल्ट हुआ है ये। अब इसके बाद में एलिसेंट की थोड़ी सी पॉजिटिव साइड देखने को मिलती है। मुझे लगा है कि एलिसेंट इसको मरवा देगी, सरसी जैसी लग रही थी एलिसेंट पर यहाँ पे थोड़ी सॉफ्ट दिखा दिया इसको। एलिसेंट उसको पैसे देती है जिससे कि वो किंग्स लैंडिंग छोड़ के यहाँ से चली जाए, और उसको एक टी पिलाती है
ये वही मून टी है जिसको रेनीरा को पिलाया गया था प्रेगनेंसी रोकने के लिए। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि डेमन और रेनीरा गेस्ट रूम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और एलिसेंट उनसे मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर ये आपस में बातें करते हैं जिसमें डेमन और रेनीरा का लहजा थोड़ा ज़्यादा ही सख्त होता है और जिससे थोड़ा लफड़ा भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर एलिसेंट थोड़ी पॉजिटिवली अच्छे से बात करती है। और उसके बाद में डेमन उससे पूछता है कि आखिर तुमने सारी जो टारगेरियन हेराल्ड्री थी यानी कि टारगेरियन साइंस निशान्स वो सारे हटा क्यों दिए। इस पर एलिसेंट आंसर देती है कि हमारे भगवान हमको एक अच्छा पाथ दिखाते हैं इसलिए। इसके बाद में कोर्टयार्ड का सीन है जहाँ पर कि जेक और लुक बाहर घूम रहे, दिखने में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। आर्विन स्ट्रॉन्ग के लड़के तो थोड़े हेल्थी दिखने चाहिए थे पर कुछ खास नहीं है। इसके बाद में अपन को क्रिस्टन कॉल वर्सेस एमन की एक प्रैक्टिस फाइट देखने को मिलती है जिसमें अपन को पता चलता है कि एमन कितना तगड़ा स्किल्ड वॉरियर हो गया है। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं कि वेमन वेलोरियन ग्रीन्स यानी कि एलिसेंट और ऑटो के पास में आता है और बोलता है कि अगर मुझे ड्रिफ्ट मार्क मिला तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। इधर रेनीरा भी गॉड फ्रूट के ऊपर जाकर रेनस को बोलती है कि लूक के क्लेम को सपोर्ट करो आप भी। इसके अलावा वो जेक और लूक की शादी बेला और रेया इन दोनों से करने की भी बात करती है, ये एक ऑफर देती है रेनस को। असल में रेनस अपने पोतियों को बहुत ज़्यादा प्यार करती होती है, पोतों को तो नहीं। इसीलिए एपिसोड की स्टार्टिंग में अपन देखते हैं कि जो बेला है बड़ी वाली पोती वो पिछले 6 सालों से ड्रिफ्ट मार्क के ऊपर होती है रेनस के साथ में, और जो सेकेंड वाली है रेया वो इतने सालों से ड्रैगन स्टोन के ऊपर होती है रेनीरा और डेमन के साथ में, और अब जाके 6 सालों के बाद में अपने ग्रैंड मदर से फर्स्ट टाइम मिल रही है। इसके बाद में अपन वेस्ट्रेस का रूम देखते हैं जहाँ पर कि वो थोड़ा कन्फ्यूज्ड है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया वो अफीम कुछ ज़्यादा ही लेता है इसलिए उसको मेंटल इलनेस हो गई है। पिछले एपिसोड में वो एलिसेंट को एमा बोल रहा था, यहाँ पर अभी रेनीरा को एलिसेंट समझ रहा है, और इसी एपिसोड की सबसे एंडिंग में वो एगोन सेकेंड और एगोन द कॉन्कर के बीच में कन्फ्यूज्ड हो रहा था। अब रेनीरा यहाँ पर इससे बात करती है और कहती है कि कल के प्रोग्राम के अंदर मेरी साइड लेना और लूक को ड्रिफ्ट मार्क का ड्रिफ्ट थ्रोन दिलवा देना। अब रेनीरा की बातों से अपन को पता चलता है कि रेनीरा थोड़ी परेशान हो चुकी है, ये जो बोझ है उत्तराधिकार का वो काफ़ी परेशान है इस चीज़ से, और गिव अप तो करना चाहती है लेकिन कर भी नहीं सकती, बीच में फंसी हुई है। सेम चीज़ एगोन के साथ में भी है, उसको भी कोई राजगद्दी इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो बस अपनी एक रंगीन लाइफ जीना चाहता है, लेकिन उसकी माँ एलिसेंट ज़बरदस्ती उसको इस सब में डाल रही है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि सुबह का टाइम है और विस्ट्रेस का उपचार किया जा रहा है, कुछ एक मास्टर्स उसके गांवों के ऊपर दवाई लगा रहे हैं। विस्ट्रेस हैंड ऑफ द किंग ऑटो को बोलता है कि आज रात को एक अच्छे खाने का इंतजाम करो क्योंकि मेरे फैमिली वाले सारे इकट्ठे हुए हुए हैं, उन सब के साथ में मैं बैठ के खाना चाहता हूँ। यहीं पे ऑटो हाईटावर विस्ट्रेस का दर्द कम करने के लिए वो जो मिल्क ऑफ पॉपी होता है वो पिलाना चाहता है, लेकिन विस्ट्रेस मना कर देता है। अब यहाँ पर ये इसलिए मना करता है क्योंकि भले ही नहीं पीने से उसको दर्द तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन रेनीरा के क्लेम को ये सपोर्ट करना चाहता है और इसके लिए ये जैक को ड्रिफ्ट मार दिलवाना चाहता है। इसके बाद में थ्रोन रूम का सीन आता है जहाँ पर ऑटो थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ है और उसके सामने सब आकर अपनी अपनी गवाही दे रहे हैं। रेनीरा अपना पक्ष रख के बोलना स्टार्ट करती है, इतने में विश्वास आ जाता है। तो यहाँ पर रेनीरा अपने पॉइंट में यूँ रखना चाह रही थी कि 20 साल पहले जब विश्वास के पास में ऑप्शन होता है कि वो डेमन को भी अपना हेयर बना सकता है लेकिन उसने नहीं बनाया, अपनी बेटी को बनाया, सेम उसी टाइप से वेमन को नहीं मिलना चाहिए। और यहाँ पर तो बेटी वाला इशू भी नहीं है, पहले से लूक प्रेजेंट है तो इसी को मिलना चाहिए क्योंकि ये कोलोस रोन का असली वंशज भी है। अब यहीं पे इतनी देर में विस्ट्रेस टारगेरियन आ जाता है जिसने अपने मुंह के ऊपर क्रैप फीडर का सस्ता वाला मास्क लगा रखा है और उसको चलने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। ये सारा सीन में उसको यूँ ही दिखाया कि बिल्कुल कितनी उसकी हालतें ख़राब हो चुकी है। लास्ट में वो गिरने जैसा भी हो जाता है, उसका मुकुट नीचे गिर जाता है। और इसके बाद में मेरा फेवरेट सीन आता है जिसको मैं कब से सोच रहा था कि डेमन आके इसकी हेल्प कर देवे। लास्ट में डेमन आ जाता है और विस्ट्रेस को ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है, उसके बाद में उसके सिर के ऊपर क्राउन रख देता है। इसके बाद में वेमन वेलोरियन थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा होता है रेनीरा के बारे में तो डेमन उसकी गर्दन काट देता है। ये वाला सीन वैसे मैंने बुक पढ़ रखी है लेकिन मेरे लिए भी एकदम नया था और काफ़ी तगड़ा सीन था ये। इस सीन को देखकर मेरे को बाहुबली की याद आ गई क्योंकि उसके अंदर भी ऐसे ही होता है, डेमन ऐसे बोलना चाहिए था। विस्ट्रेस रेनीरा के कैरेक्टर के ऊपर हर कुछ बोलने वाले का जीभ नहीं काटी जाती, काटा जाता है उसका गला। और उसके बाद में ये WTF मोमेंट हो जाता है क्योंकि ये वाला सीन बुक से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अब इसके बाद के सीन के अंदर अपन देखते हैं कि वेमन वेलोरियन की जो डेड बॉडी है उसको तैयार किया जा रहा है साइलेंट सिस्टर्स के द्वारा। अभी साइलेंट सिस्टर्स कौन होती है इसके बारे में पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के प्लान में हूँ, इसलिए वो अपन और कभी बात करेंगे। यहाँ पर रेनस भी प्रेजेंट है जो कि थोड़ी दुखी है कि इसके फैमिली का एक और मेंबर मर गया, इसीलिए वो बोलती है कि स्ट्रेंजर शायद मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है,
मेरे बहुत सारे लोगों को उसने ले लिया, पहले लायना, उसके बाद में लेनोर, और जो कोलोस वैलोरन है वो भी मरने जैसे ही है। इसके अलावा अब ये वेमेंड वैलोरन मर गया, तो रेनेस के जीवन में काफ़ी दुख हो गया है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि वेमेंड वैलोरन बुक के अंदर कैसे मरा। तो बुक के अंदर यूँ होता है कि सबसे फर्स्ट ड्रिफ्ट मार्क के अंदर कोलोस वैलोरन बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, मास्टर्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बिल्कुल मरने जैसे ही हो जाता है, तो फिर उसके सक्सेशन को लेकर लफड़ा होता है। वहीं पर ये वेमेंड वैलोरन रेनेस के सामने थोड़ा ज़्यादा बोल जाता है, यूँ बास्टर्ड वगैरह बोल देता है रेनिरा के लड़के को। तो फिर रेनिरा यहाँ पर ड्रैगनस्टोन में प्रेजेंट होती है, लेकिन ये अपने पति डेमन को भेजती है वहाँ पर और कहती है सीधी गर्दन उड़ा के लेके आओ। तो फिर डेमन जाता है ड्रिफ्ट मार्क के ऊपर और वहाँ से गर्दन उड़ा के लेके आता है यहाँ पर ड्रैगनस्टोन, और यहाँ पर रेनिरा उसे अपने सायरेक्स को खिला देती है वो गर्दन, जो कि वेमेंड वैलोरन की होती है। अब स्टोरी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। वेमेंड वैलोरन को चाहने वाले भी कुछ एक लोग होते हैं जो कि ड्रिफ्ट मार्क के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो कुछ किसी के कजन्स होते हैं। अब ये सारे जो कजन्स होते ये सीधा जाते हैं किंग्स लैंडिंग और राजा विस्ट्रेस को बोलते कि यार वहाँ पर तो लफड़ा हो गया है, वेमेंड को मार दिया हमारे सामने, हमको जस्टिस दो, वी वांट जस्टिस। फिर विस्ट्रेस इनसे पूछता है कि आखिर क्या कांड हुआ। तो फिर ये कजन्स लोग बोलते हैं कि वहाँ पर वेमेंड वैलोरन बोल रहा था कि ये जो रेनिरा के बच्चे वो सारे बास्टर्ड है और इस तरह से तो ये हमारा हाउस ख़त्म कर देंगे, ये चीज़ नहीं हो सकती, इनको ड्रिफ्ट मार्क नहीं मिल सकता। तो ये विस्ट्रेस के सामने दरअसल उसको बास्टर्ड बोल देते हैं, तो विस्ट्रेस की सटक जाती है। विस्ट्रेस बोलता है तुमने उसको बास्टर्ड कैसे बोल दिया, उन बच्चों को वो बास्टर्ड नहीं, और इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी कह रखा है कि उनको कोई बास्टर्ड बोलेगा तो मैं जीप कटवा दूंगा। तो यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में इसी रूल को फॉलो किया जाता है और इन सब कजन्स लोग जिन्होंने बास्टर्ड कहा रेनिरा के लड़कों को, उनकी जीप काट दी जाती है। अब इसके बाद में रात के डिनर का सीन आता है जहाँ पर कि विस्ट्रेस अपन को नया असली फेस उसका रिवील करके दिखाता है। यहीं पे अपन देखते हैं कि एलिसेंट और उसके बच्चे नए गॉड्स के अंदर कुछ ज़्यादा ही विश्वास रखते हैं, और वो टारगेरियन से लेकिन उनके लक्षण सारे हाई टावर्स वाले ही है, इसलिए एलिसेंट एक प्रेयर करती है और जो भी हाई टावर्स के बच्चे वो सारे आंखें बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर अपने सबके चहीते एगोन भैया ने कुछ PhD कर रखी है एक स्पेशल टॉपिक में, इसलिए वो जैक को सिखाना चाहते हैं कि विवाह के बाद में कैसे सांसारिक जीवन जिया जाता है, लेकिन जैक इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद में विश्वास खड़ा होता है और बोलता है यार प्यार मोहब्बत से रहो, ऐसे लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, एक दूसरे को थोड़ा ग्रीटिंग्स दो, थोड़ा अच्छे से रहो। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो रेनिरा और एलिसेंट है वो एक दूसरे को प्रेस करती है, और इसके अलावा भी कुछ एक लोग एक दूसरे को प्रेस करते हैं, उनके लिए टोस्ट करते हैं। पर एक चीज़ बताऊँ तो बुक के अंदर यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ होती है, मतलब कि रेनिरा और इसके जो सपोर्टर है यानी कि ब्लैक्स वाले डेमन और इसके सारे बच्चे, वो सब लोग यहाँ पर ग्रीन कपड़े पहन के आते हैं, और जो एलिसेंट के बच्चे और एलिसेंट है वो सारे ब्लैक कपड़े पहन के आते हैं। ये क्रॉस कॉम्बिनेशन इसलिए होता है क्योंकि ये एक दूसरे से अपनी गुडविल शेयर करना चाहते हैं कि हम भी अच्छे लोग हैं, इसलिए। अब इसके बाद में एगोन भैया जिन्होंने एक स्पेशल PhD कर रखी है स्पेशल टॉपिक के अंदर, वो बताते हैं कि लाइफ को ऐसे जिया जाता है वगैरह, वो जैक को इस टाइप से बात करता है कि जैक को गुस्सा जाता है, इसलिए जैक अपने टेबल के ऊपर खड़ा हो जाता है वहाँ पर, लेकिन वो अपना गुस्सा जैसे तैसे करके कंट्रोल करता है। अब यहीं पे तुमने देखा हो तो एमंड भी खड़ा हो जाता है, मतलब ये किस लिए खड़ा हुआ है। जैक उसके बाद में नीचे बैठ जाता है, एमंड किसी को टोस्ट वोस्ट नहीं करता है, किसी की भी गुडविल नहीं दिखाता है, बस वो भी वापस बैठ जाता है। तो ये बंदा एक्चुअली यही देख रहा था कि जैक किसी के ऊपर अटैक कर देवे और इसको लड़ने का मौका मिल जाए, ये थोड़ा वॉयलेंस पसंद करता है, ये बस वेट कर रहा था कैसे लड़ाई चालू हो जाए और फिर इसको किसी को ठोकने का मौका मिल जाए, जैसा कि इसने इतने सालों से ट्रेनिंग ली है, कहीं तो हाथ आजमाने का मौका मिल जाए। अब इसके बाद में म्यूज़िक शुरू होता है और जैक और हेरिना डांस करना शुरू करते हैं, विश्वास भी उनको देखता है और एक बार उसको पिछली याद आती है कि रेनिरा ने प्रपोज़ किया था, इन दोनों की शादी हो जाए कितना सही रहेगा, डांस ऑफ ड्रैगन की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती, लेकिन फिर तो ये शो कैसे बनता, अच्छा हुआ ये इन दोनों की शादी नहीं हुई। अब इसके बाद में विश्वास यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसको थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। उसके जाने के बाद में एमंड के लिए एक स्पेशल थाल मंगवाया जाता है जहाँ पर उसके लिए स्पेशल डाइट होती है। थोड़ी देर बाद में रेनिरा के बच्चों को एमंड बोलता है कि स्ट्रॉन्ग बॉयस, ये जानबूझ के ऐसा बोल रहा होता है लड़ाई शुरू करने के लिए, और वहीं पे वॉयलेंस शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो जैक और लूक है ये बहुत कमज़ोर बच्चे हैं, मतलब कि हार्विन स्ट्रॉन्ग के बच्चे, वो बंदा ब्रेक बोन्स के नाम से फेमस था, ये भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हट्टे खट्टे लोंडे होने चाहिए थे, पर ये बिल्कुल लल्लू वल्लू है जो एमंड के सामने टिक नहीं पा रहे। अब इसके बाद में डेमन बीच में आ जाता है और इनको रोक देता है। वैसे तो डेमन यहाँ पर इनसे लड़ने के लिए नहीं आया था, फर्स्ट में मुझे लगा कि डेमन बीच में आके यूँ इसलिए खड़ा हुआ है जिससे कि वो यूँ बोलना चाह रहा है कि दमोत मुझसे लड़ना, इनसे क्या लड़ रहा है, लेकिन फिर थोड़े से उसके एक्सप्रेशन अपन देखते तो पता चलता है कि डेमन और एमंड बहुत ज़्यादा सिमिलर है,
बचपन में डेमन भी ऐसे ही था, हर कहीं लड़ाई झगड़े करता रहता था, वॉयलेंस पसंद था उसको भी। सेम एमन भी ऐसे ही है। अब यहाँ पर एमन डेमन से पंगा इसलिए नहीं लेता है क्योंकि इसको पता है कि अभी ये इसके लिए तैयार नहीं है, और यहाँ पर ये लड़ना चाहता तो भी लड़ने नहीं दिया जाता, किंग्सगार्ड प्रेजेंट है। इसके बाद में एमन अपनी नज़रें नीचे झुकाकर अपने रूम की तरफ चला जाता है बिना अपने स्पेशल डाइट को खाए। इसके बाद में नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं कि माइसीरिया प्रेजेंट है और उसकी तरफ कोई हुडी पहन के जा रहा है, ब्लैक हुडी। उसमें मुझे लगा डेमन को पुरानी यादें ताज़ा करनी इसलिए जा रहा है, लेकिन ये तो शायद टायला है जो कि एलिसेंट की सर्विंग गर्ल है, ये सब जानकारी वापस जाके उसको दे रही है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि लास्ट में विशेष के बेडरूम का सीन है, जहाँ पर कि वो एलिसेंट को रेनीरा समझ रहा है और बोल रहा है कि एगोन ने जिस टाइप से कॉन्कर किया था और उसके ये सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर है वो बिल्कुल सच था। लेकिन यहाँ पर तो एलिसेंट प्रेजेंट है, तो एलिसेंट समझ रही है कि ये एगोन सेकंड की बात कर रहा है, और विशेष यूँ कहना चाह रहा है कि एगोन सेकंड ही सातों राज्यों का राजा बने और सबको यूनाइटेड रखे, तो और उल्टा कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया एलिसेंट के दिमाग में। और इसके बाद में एपिसोड ख़त्म हो जाता है इसी के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।